उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्राइस एरिया कोविड 19 केंद्र में ऑक्सीजन न होने के अभाव में एक व्यापारी की मौत हो गई। दिनेश चंद्र अग्रवाल गल्ला मंडी के प्रसिद्ध व्यापारी की ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से मौत हो गई। दिनेश चंद्र अग्रवाल की मौत के बाद व्यापारी के बेटे ने लगाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर आरोप, कहा स्वास्थ्य विभाग खुद एक टूटी हुई चरम सीमा पर है। इस समय पूरा देश कोविड 19 जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार होगा तो कैसे लोगों को स्वस्थ कर पाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने से आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, ऐसे न जाने कितनी मौतें संसाधनों के अभाव में हुई है। नवभारत समाचार फिरोजाबाद से वेद प्रकाश सिंह। अमित जी, आप बीजेपी के नेता भी हैं, आप यहाँ देखते भी हैं, केंद्र सरकार है आपकी, और मेडिकल कॉलेज में ये बता रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, आप भी मौके पर हैं, क्या कहना है इस पर? जो मेरे जो मृतक हैं वो मेरे दोस्त के फादर हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे मामले से मैं अवगत हूँ, और पूरी तरीके से लापरवाही के अभाव में इनकी डेथ हुई है। ऑक्सीजन एक घंटे से करीब हो गया उनको, ऑक्सीजन जो लगाई गई थी उनमें वास्तव में मैंने भी देखा सिलेंडर में गैस नहीं है, ये घोर लापरवाही है। और मैंने यहाँ के जिला प्रशासन और MLA जो श्री मनी ससिया जी को पूरे मामले से अवगत करा दिया। UP सरकार बार बार चेताती है, बार बार मेडिकल में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए फिरोजाबाद में करोड़ों अरबों रुपया दिया है, आखिर व्यवस्थाएँ क्यों नहीं है, किसकी गलती है, क्या है? सरकारी तौर पर पूरी तरीके से व्यवस्था पूरी चौगुना, यहाँ पर केवल लापरवाही की वजह से इस तरीके से मूवमेंट हुआ है, और जो भी जिम्मेदार होंगे वो पूरी तरीके से हम पूरी उनके लापरवाही की शिकायत करेंगे और उनको पूरी तरीके से। इससे पहले भी काफ़ी मौतें हो चुकी हैं कोरोना को लेकर, यहाँ पता लगा कि ऑक्सीजन नहीं है, क्या मानते हैं इन चीज़ों को? जो भी लापरवाही सामने आ रही है उसकी पूरी शिकायत शासन प्रशासन को की जाएगी, और यहाँ के विधायक हैं उनको भी अवगत कराया जाएगा, और यहाँ के जिला प्रशासन विधायक जी की तो रिश्तेदारी है नेजा जी, अब ये कोई किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है।